गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने शत्रुओं, प्रतिस्पर्धी या अन्य किसी भी दुष्ट व्यक्ति को चारों ओर से रोककर उसकी तरफ से होने वाले खतरों और परेशानियों को बंद करने के एक सरल बिना मंत्र के स्तंभन उपाय के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इस स्तंभन उपाय को करने से दुश्मन की बुद्धि और मोह स्तंभित हो जाता है और वह साधक को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। इस प्रयोग से प्रतिस्पर्धियों और ईर्ष्यावादी व्यक्तियों से होने वाली चुगली और षड्यंत्रों की भी को भी स्तंभित किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब मैं आपको इस स्तंभन उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। साधक को हल्दी की पाउडर में थोड़ी सी पानी की बूंदें मिलाकर एक पेस्ट बनानी है और उस पेस्ट से एक सफ़ेद रंग के कागज पर शत्रु की आकृति यानी कि एक फिगर बनानी है और आकृति के नीचे शत्रु का नाम लिखना है। उदाहरण के तौर पर यह देखिए, मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर हल्दी की पेस्ट से एक आकृति बनाई है। आपको लगभग इसी तरह एक आकृति बनानी है और उसके नीचे शत्रु का नाम लिखना है। फिर उस कागज को फोल्ड करके उसे पीले रंग के धागे से लपेटना है। फिर उसके बाद उसे फिर से एक पीले रंग के धागे से एक पत्थर को बांधना है। फिर उस पत्थर को अपने घर के बाहर किसी भी जगह पर रख देना है। इस उपाय को करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा विधि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय किसी भी दिन, किसी भी समय किया जा सकता है। यह एक बिना मंत्र का शत्रु स्तंभन उपाय है, इसलिए उसे जितनी तीव्रता, आत्मविश्वास और द्वेष के साथ आप करोगे तो मनचाही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यह सारे उपाय एनर्जी ट्रांसफर इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। स्तंभन उपाय में एनर्जी ट्रांसफर यानी अपने पूरे विचार शत्रु की तरफ संचालित करना और उस शत्रु के लिए आप जितना द्वेष करोगे उतने शक्तिशाली आपके विचार बन जाते हैं और उतना ज़्यादा नुकसान शत्रु को पहुंचा देते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ दुष्ट लोगों पर इस तंत्र का प्रयोग करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।